सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी या एनटीपीसी के जो एग्जाम आने वाले हैं इनमें क्या है कि समान कैलेंडर के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, समान वर्ष निकालने के लिए भी आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दिया गया कि 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को यदि मान लो सोमवार था, कौन सा दिन था, सोमवार था, तो अगला 1 जनवरी को किस वर्ष में सोमवार पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1 जनवरी 2012 को यदि सोमवार था तो आगे 1 जनवरी और किस सन में सोमवार ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की ट्रिक में हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपको सिंपल तरीके से निकालना होता है, ठीक है दोस्तों, अगर सिंपल तरीके से निकालना होता तो आप लोग यही करते होंगे कि जैसे यहाँ पर लिख दिया गया 1 जनवरी 2012, ठीक है, 1 जनवरी 2012 को कौन सा दिन, सोमवार, ठीक है, उसके बाद 1 जनवरी 2013 को मंगलवार, ठीक है, 1 जनवरी 2014 को मान लीजिए 2014 को कितना हो गया, बुधवार हो गया, और 15 को हो गया बृहस्पतिवार, 16 को हो गया, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 जैसे ही आएगा तो यहाँ पर बृहस्पति के बाद शुक्रवार हो जाएगा, लेकिन 16 के बाद जो 2017 आएगा तो उसमें क्या शनिवार ही होगा, जी नहीं दोस्तों, शनिवार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 16 क्या है, लीप वर्ष है, ठीक है, इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक दिन इसमें हो जाएगा, शनिवार इसमें जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर 2017 में कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, उसके बाद 18 में क्या होगा, सोमवार आ जाएगा, यानी 2012 में सोमवार आया था, उसके बाद 2018 में सोमवार आएगा, मान लीजिए, ठीक है, 2012 में मान लीजिए टाइम सोमवार है, ठीक है, और 2018 में फिर सोमवार आएगा, लेकिन हमको निकालने में कितना सारा टाइम लगा, ठीक है, यानी टाइम मैनेजमेंट भी हमको करना है, क्योंकि क्वेश्चन के लिए बहुत सारा टाइम होता है, तो 20 से 25 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आप लोगों के सामने एक सूत्र दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, क्या दिया गया है, सूत्र दिया गया है वर्ष बटे चार, जी हाँ दोस्तों, सूत्र दिया गया है आप लोगों के सामने वर्ष बटे चार, इस सूत्र को आपको जरूर ध्यान रखना, यानी वर्ष को हम चार से भाग कर देंगे, ठीक है, वर्ष को हम चार से भाग कर देंगे, और उधर दिया गया है वर्ष को भाग करने पर अगर जीरो बच रहा है तो 28 दिन, जीरो का मतलब होता है जीरो बराबर हो जाएगा 28 दिन, यदि एक दिन बच रहा है तो 6 दिन, अगर 2 या 3 दिन बच रहा है तो 11 दिन, लेकिन अगर अभी आप लोग यहाँ पर और सोचोगे कि अगर 4 बच रहा है तो 4 बचने का मतलब फिर 4 से 4 कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, तो 4 1 आ जाएगा तब भी 6 ही माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सिंपली यही, इसीलिए हमने 3 तक रखा है, यानी 0 अगर आंसर आ जाएगा तो 28 दिन उसमें ऐड कर देंगे, 1 दिन आ जाएगा तो 6 ऐड कर देंगे, 2 या 3 दिन आ जाएगा तो 11 ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 जनवरी 2017 को मंगलवार था, तो अगला 1 जनवरी को मंगलवार किस सन में पड़ेगा, यानी 2017 में पड़ा तो 2018 में तो पड़ नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2018 में नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग थोड़ा सा एक जगह कन्फ्यूजन हो सकते हैं लीप ईयर में, यानी 2020 में आप लोग हो सकते हैं कन्फ्यूज। तो इस तरह के में क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे 2017 है तो 18, 19, 20, 21, ठीक है, यानी मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी 21, 22, 23, 24, अभी आप लोग सिंपली बता दोगे कि हाँ 24 में पड़ेगा, यानी सीरियल से करते गए तो 24 में आ गया मंगलवार, यानी 2024 में मंगलवार पड़ेगा 1 जनवरी को, लेकिन जी हाँ दोस्तों नहीं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि जो 2000 हमारा 20 था वो 4 से डिवाइड हो रहा है, और क्या हो रहा है, एक लीप ईयर, यानी 366 दिन की यहाँ पर हो रही है, 366 एक वर्ष 366 दिन का हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर शनिवार हो जाएगा, और ये जाके कहाँ पर पड़ेगा, ये जाके मंगलवार पड़ेगा 2023 में, ठीक है दोस्तों, किस में पड़ेगा 2023 में। तो इसको निकालते कैसे हैं, बहुत ही आसान तरीका है निकालने के लिए, सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2017 दिया गया है तो यहाँ पर क्या देगा, वर्ष, यानी वर्ष कौन सा है, 2017, इसको हम 4 से माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा, 1, 4 चौक 16 हो गया, 16 1 17, यानी 1 बच गया हमारा, तो 1 का मतलब कितना हुआ, 6, यानी जो 2017 है इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे,
ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 6 हो जाएगा 13, ठीक है, 13 का हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 13 का हो जाएगा 3, और इसके बाद यहाँ पर कर देंगे एक और बच जाएगा हमारा, एक एक हो जाएगा 2 और 0 2, यानी 2023 में हमारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन पड़ेगा, मंगलवार, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना बस, ठीक है। उसके बाद जैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारा 15 मार्च 2018 को बुधवार है, ठीक है, 15 मार्च 2018 को बुधवार है, तो 15 मार्च डेट और ये मार्च हमारा महीना, ठीक है, किस डेट को हमारा बुधवार पड़ेगा, ठीक है, 15 मार्च को पड़ा, 15 मार्च 2018 को बुधवार पड़ा, तो आगे किस सन में 15 मार्च को और किस सन में बुधवार ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह में भी थोड़ा सा वही करेंगे काम, 15 इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ सन से मतलब होता है किस सन में पड़ेगा 15 को, ठीक है। तो 2018 ले लेंगे, इसको हम भाग कर देंगे 4 से, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 4 चौके हो गया 16 और 16 2 हो गया 18, यानी बचा हमारा कितना, 2 शेष बचा, तो 2 और 3 के लिए मैंने क्या बताया था 11, यानी 2018 में हम क्या कर दे ऐड कर देंगे 11 ऐड कर देंगे, 8 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 0 और 2, यानी 2029 में हमारा क्या हो जाएगा, 15 मार्च 2029 को भी हमारा बुधवार ही पड़ेगा, यानी 2018 में जो दिन होंगे, ठीक है, जो दिन जैसे 15 मार्च 2018 को बुधवार था, तो 15 मार्च 2029 को भी बुधवार होगा, जैसे 16 मार्च 2018 को बृहस्पतिवार होगा, तो 16 मार्च 2029 को भी बृहस्पतिवार होगा, यानी समान वर्ष, पूरा वर्ष ही समान हो जाता है इस तरह कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो एक दो और लेके देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बस एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है बस, यानी हमको याद क्या क्या रखना है, सिर्फ याद रखने वाली चीज़ें हमने आप लोगों के सामने लिख दी हैं, यानी क्या याद रखना है, 2014 ये वर्ष बटे सूत्र, हमको वर्ष बटे 4 याद रखना है, और उधर याद रखना है अगर 0 हमारा शेषफल बचेगा तो उसमें 28 ऐड कर देंगे सन में, और उसके बाद अगर 1 शेषफल बचेगा तो उसमें सन में हम 6 ऐड कर देंगे, और अगर 2 या 3 बचेगा तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे, ठीक है, कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे। और यहीं वजह से मान लीजिए हम बात करते हैं 2 जून 2019 को बुधवार था, ठीक है, कितना था, बुधवार था, तो वही 2 जून और किस सन को, यहाँ पर सन भरना है और यहाँ पर बुधवार ही पड़ेगा, ठीक है, यानी 2 जून 2019 को बुधवार था, तो कितने जून और किस सन में बुधवार ही, मतलब सेम दिन पड़ेगा और सेम डेट को, तो इस तरह पे कैसे निकालेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, 2019 दिया है, 2019 को हम भाग कर देंगे 4 से, 4 चौके हो जाएगा 16, 16 3 19 हो जाएगा, बचेगा कितना शेषफल हमारा, 3 बचेगा, तो 3 के लिए अभी हमने आप लोगों को बताया था नीचे, 3 के लिए क्या है, 11 है, तो 3 के लिए 11, यानी 2019 में हम कितना ऐड कर देंगे, 11 ऐड कर देंगे, और 9 1 10 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 1 कैरी पहुँच जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, और इधर 0 इधर 2, यानी कितने में, 2030 में हमारा क्या पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के निकालने में शॉर्ट ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, समान वर्ष कैलेंडर निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में आते भी हैं, और अगर आप लोग दिन निकालना आप लोगों को नहीं आता है, ठीक है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आराम से जाके और वो वीडियोज़ भी देख लेना दिन निकालने वाला, वो भी बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, ठीक है। उसमें भी तो एक सिर्फ आपको क्या याद करना होगा, उसमें आपको माह के कोड याद करने होंगे, जिसे हम कहते हैं महीना कोड, माह के कोड याद करने होंगे, और आपको याद करने होंगे शताब्दी के कोड, ठीक है, शताब्दी के कोड याद करने होंगे, और आपको याद करना होगा दिन के कोड, बस ये 3 चीज़ें याद करनी होंगी, और एक सूत्र याद करना होगा, ठीक है, बस ये 4 चीज़ें याद कर लेंगे होंगे, बस बाकी पूरा दिन कोड सबको पता है यार, दिन ना रविवार को 0 कहते हैं, सॉरी रविवार को 1 कहते हैं, सोमवार को 2 कहते हैं, इसी तरह दिन के कोड तो सबको याद ही, दो दिन के कोड से कोई मतलब ही नहीं, शताब्दी कोड और महीने के कोड याद करने होंगे, और एक सूत्र याद करना होगा, ठीक है, सूत्र बहुत ही आसान है, ठीक है, उस सूत्र के माध्यम से अगर आप लोग करेंगे तो कोई भी कैलेंडर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो नहीं फंसेगा, ठीक है, बिल्कुल भी कैलेंडर का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं फंसेगा दोस्तों, ठीक है, तो वो ट्रिक भी आप लोग अपना लेना, ठीक है, बढ़िया ट्रिक है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तमाम हमारे चैनल पर आप लोगों को
वीडियो पड़ी होंगी, हालांकि सभी लोगों ने, लगभग लोगों ने, क्योंकि अब की बार ग्रुप डी में फॉर्म डाला है, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आप लोगों को रीजनिंग बीच बीच में देता रहूँगा, ठीक है। रीजनिंग के आप लोगों के लिए वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। अब अगला चैप्टर हम आप लोगों के लेके आएंगे पासा का, ठीक है। डाइस पासा का चैप्टर लेके आएंगे, उसमें भी बहुत ही आसान ट्रिक होगी। उसके बाद हम आप लोगों के लेके आएंगे घड़ी का चैप्टर, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आगे आने वाले वीडियोस हैं इनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।